नमस्ते एवरीवन फ्रॉम चाइना, मैं मास्टर रघु सर्टिफाइड योगा टीचर आपका वेलकम करता हूँ डे 6 वेट लॉस चैलेंज प्रोग्राम में। तो आज हमारी एक्सरसाइज होने वाली है मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश बोले तो हमारा पेट, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रोल होता है बॉडी में। जैसे कि आपका खाना नहीं पचना, भूख नहीं लगना, या पेट की चर्बी ज्यादा हो जाना, या पेट बेतौल हो जाता है ना, किसी का तोन सी हो जाती है, उन सब चीजों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो आज इसको हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं, तो पूरा एफर्ट लगाइएगा। ऐसा नहीं कि आप थक गए रिलैक्स कर रहे हो, मेरे साथ जितना मैं रिलैक्स करूं उतना ही करना है और एक्सरसाइज कंटिन्यू रखना है, ठीक है, तभी रिजल्ट 100% मिलेगा। अगर आप आलस करोगे तो इतना एफर्ट नहीं कर पाओगे तो बिल्कुल भी आपको रिजल्ट नहीं मिल जाएगा। आप टाइम तो दे रहे हो तो टाइम को थोड़ा ढंग से यूज कीजिए मेरे साथ, ठीक है। और जो हमारा मध्य प्रदेश होता है उसके बारे में तो क्या ही बताऊं। जैसे कि किसी की बॉडी होती है, ठीक है, हाथ पैर सब कुछ ठीक होते हैं, लेकिन तौल निकली होती है तो अजीब सी दिखती है ना, तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और जिनकी तौल नहीं भी निकली है, डोंट वरी, इंटरनल उनको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। जैसे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, डाइजेस्ट सिस्टम से रिलेटेड, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो उन सबका फायदा मिलने वाला है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को ओम चैंटिंग के साथ। तो सबसे पहले करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज थोड़ी सी, और ब्रीदिंग की एक्सरसाइज इसलिए करते हैं क्योंकि उससे हमारा माइंड और बॉडी रिलैक्स हो जाता है और भी प्रैक्टिस करने में कुछ अलग ही आनंद आता है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाएंगे चीन मुद्रा में, इसको चीन मुद्रा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आंखें बंद करेंगे, कमर गर्दन सीधी, पूरा फोकस सिटिंग पोजिशन और माइंड पे होना चाहिए, ठीक है, कोई थॉट नहीं चलना चाहिए। इनहेल करेंगे धीरे धीरे से, इनहेल के साथ पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, एक्सहेल करेंगे, इनहेल, माइंड को रिलैक्स करेंगे, एक्सहेल। चैंटिंग करेंगे। ओम की ध्वनि टू पार्ट्स में डिवाइड है, वन है 70% ओ करना है और 30% मा करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इनहेल, हथेली का दर्शन करेंगे, आंखों पे लगाएंगे हथेली को, धीरे धीरे से मसाज करेंगे आंखों की, एक बार फिर से लगाएंगे, धीरे धीरे से मसाज करेंगे, गर्दन की करेंगे, हाथों की करेंगे, धीरे से पाम्स को ओपन करेंगे विद ब्यूटीफुल स्माइल, ओके, नमस्ते वंस अगेन। फर्स्ट हम बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आइए पैरों को फैला लीजिए सामने, रिलैक्स कीजिए पैरों को। अगर आप सिटिंग में बैठते हो प्रेयर करने के लिए और आपके पैर फोल्ड होते हैं तो कंपन होने लगती है ना पैरों में, तो अगर ये प्रॉब्लम है तो आप पैरों को स्ट्रेट करके भी ओम चैंटिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
फिलहाल अभी हम बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, इनहेल करेंगे, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, जितना हो सकता है कमर हैंड्स को स्ट्रेच कीजिए, ऊपर देखिए, एक्सहेल करेंगे, हाथों को सामने की तरफ फैलाएंगे, ऐसे करते हुए आगे की तरफ जाना है, फिर से इनहेल करेंगे, इंटरलॉक करते हुए हाथों को स्ट्रेच कीजिए जितना कर सकते हो, बॉडी में खिंचाव आना चाहिए, ठीक है, पैर एक्टिव रखना है, फीट आपकी टुवर्ड्स सीलिंग, लुक अप करना है, एक्सहेल सामने की तरफ जाइए धीरे धीरे से, टू टाइम्स मोर, ठीक है, इनहेल करेंगे, हाथों को ऊपर लेके आएंगे, एक्सहेल करेंगे, सामने की तरफ झुकिए धीरे धीरे से, लेग स्ट्रेट रहेंगे, ठीक है, नी स्ट्रेट रखनी है, इनहेल लास्ट टाइम करेंगे, हाथों को स्ट्रेच कीजिए, होल्ड करेंगे, वन खिंचाव होना चाहिए बॉडी में, टू लेग सीधे रहेंगे, थ्री स्पाइन को पूरा सीधा कीजिए, फोर हाथ और आपकी स्पाइन वन लाइन में होनी चाहिए, फाइव एंड सिक्स, ओके सामने जाएंगे धीरे से, लेग स्ट्रेट रखेंगे, वन फोकस कीजिए नीज को स्ट्रेट करने के लिए, टू जाइए जितना जा सकते हो, थ्री धीरे धीरे डाउन, फोर फाइव एंड सिक्स, ओके इनहेल करेंगे, हाथों को ऊपर लेके आएंगे, एक्सहेल करेंगे, दोनों हाथों से राइट फिट को पकड़ेंगे, हेड डाउन करेंगे, ठीक है, कोशिश कीजिए फोरहेड को राइट लेग से लगाने के लिए, वापस आएंगे, इनहेल करेंगे, हाथों को ऊपर लेके आएंगे, एक्सहेल करेंगे लेफ्ट साइड में, हेड डाउन, लास्ट राउंड करेंगे, इनहेल एक्सहेल राइट साइड में जाना है, हेड डाउन, होल्ड कीजिए, वन नी स्ट्रेट रहेगी, ठीक है, टू थ्री खिंचाव को महसूस कीजिए, फोर फाइव एंड सिक्स, इनहेल करेंगे वापस कम बैक, एक्सहेल करेंगे लेफ्ट साइड में, हेड डाउन करेंगे, वन टू थ्री फोर एंड सिक्स, ओके इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए दोनों पंजों को पकड़ेंगे, हेड डाउन करेंगे, ठीक है, जितना हो सकता है इतना कीजिए, अगर आपको बैक पेन है तो आप ऐसे स्ट्रेट करके सामने की तरफ भी देख सकते हो, हैंड्स और स्पाइन को सीधा रखना है बट, ठीक है, हेड डाउन धीरे धीरे अगर हो सकता है तो, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ओके अब हमने बॉडी को स्ट्रेच कर लिया है, अब पैरों को रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा, अब स्टार्ट करेंगे पेट की एक्सरसाइज, ठीक है, तो आइए सीटिंग में आ जाइए, लेग्स को बेंड करेंगे, ठीक है, हाथों को पीछे रखना है, ठीक है, ऐसे है, अब क्या करना है देख लीजिए, यहाँ से पैरों को सीधा करना है इनहेल करते हुए, ठीक है, स्पाइन को पीछे ले जाना है कमर को और पंजों को देखना है, एक्सहेल करेंगे दोनों घुटनों को बेंड करेंगे, जो अपना माथा है उसको घुटने से लगाएंगे, इनहेल करेंगे पैरों को सीधा कीजिए, एक्सहेल करिए लेग्स को बेंड कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल, कीप कंटिन्यू, ठीक है, मेरे साथ करना है, आलस बिल्कुल भी नहीं करना है, इनहेल, ठीक है, फोर टाइम्स मोर, एक्सहेल, पेट पे लोड आना चाहिए, ठीक है, इनहेल, एक्सहेल, थ्री टाइम्स मोर, इनहेल, एक्सहेल, जिनके पैर दर्द करते हैं वो नी को बेंड भी कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इनहेल करना है, एक्सहेल, लास्ट राउंड करें होल्डिंग के साथ, ठीक है, वन, अगर होल्डिंग नहीं हो पाएगी तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, एक्सहेल करेंगे, लेग्स को बेंड करेंगे, हेड डाउन, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ओके रिलैक्स करेंगे, फिर से कह रहा हूँ रिक्वेस्ट करके कि प्लीज मेरे साथ ही करना है, ठीक है, थोड़ा बहुत पेन भी होगा और थोड़ा बहुत प्रेशर भी आएगा करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश पूरी कीजिए, ठीक है, आलस बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है,
अप करेंगे, नेस को बेंड करेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करना है ठीक है। राइट साइड में हेड डाउन, हम धीरे धीरे से इनहेल एक्सहेल, लेफ्ट साइड में करेंगे हेड डाउन इनहेल, वापस आना है, एक्सहेल करेंगे राइट साइड, इनहेल कम बैक, एक्सहेल लेफ्ट साइड, इनहेल एक्सहेल राइट साइड, थ्री टाइम्स मोर, इनहेल एक्सहेल, मेरे साथ कीजिए कंटिन्यू, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल, लास्ट राउंड करेंगे, एक्सहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, वन, दोनों हाथों को खोलिए शोल्डर लेवल पे, दोनों हाथों के बीच में देखना है, टू, राइट एल्बो अप रहेगी ठीक है, डाउन नहीं करना है, नीज को ओपन रखना है, थ्री, हेड डाउन कीजिए, फोर, फाइव एंड सिक्स, इनहेल कम बैक, एक्सहेल लेफ्ट साइड में करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ओके। अब क्या करना है देख लीजिए ठीक है, हैंड्स को डाउन करना है, एल्बोस को ठीक, अब क्या करना है, इनहेल करेंगे, दोनों पैरों को यहां पे ले जाएंगे, एक्सहेल में अप करेंगे ठीक है, इनहेल सिक्स टाइम करेंगे, एक्सहेल इनहेल एक्सहेल, फोर टाइम्स मोर, इनहेल, पैरों को सीधा रखना है, एक्सहेल पंजों को खींच के रखना है, इनहेल एक्सहेल, टू टाइम्स मोर, इनहेल एक्सहेल, लोड आना दीजिए पेट पे, होल्ड करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, और पैरों को ऊपर ले जाएंगे, होल्ड करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ओके, नीज को ओपन करेंगे, फिट को मिला के रखेंगे, धीरे धीरे से आगे आएंगे, हेड डाउन करेंगे, वन, रिलैक्स करेंगे थोड़ा यहाँ पे, टू, नीज को ओपन कीजिए, थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, और एक चीज और, जिसको बैक पेन है उसको थोड़ा सा संभल के करना है, और मैं ना आपको ऑप्शन दूंगा ठीक है, अगर आप ज्यादा कमर में पेन फील कर रहे हो तो उनको ऑप्शन दे दूंगा ठीक है, अभी जब ऑप्शन आएंगे तो मैं बताऊंगा आपको। चलिए वापस से पैरों को ऊपर कीजिए ठीक है, हाथों को इंटरलॉक करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, पैरों को सीधा करना है, राइट साइड में देखना है, इनहेल बेंड करेंगे लेग्स को, एक्सहेल लेफ्ट साइड, इनहेल पैरों को बेंड कीजिए, फीट अप रहेगी, एक्सहेल राइट साइड, इनहेल एक्सहेल लेफ्ट साइड, इनहेल एक्सहेल राइट साइड, इनहेल टू टाइम्स मोर, एक्सहेल लास्ट राउंड, इनहेल होल्ड करेंगे ठीक है, अगर आप पैर से नहीं कर पा रहे हैं तो बेंड करके कर सकते हो, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, इनहेल करेंगे ओके, एक्सहेल करेंगे लेफ्ट साइड, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, एक बार और यहाँ पे होल्ड करेंगे, वन लेग्स को बेंड कीजिए, हेड डाउन, टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ओके, पैरों को रिलैक्स करेंगे, और फिर से ट्विस्टिंग करेंगे, पैरों को सीधा करते हुए ठीक है, इनहेल करेंगे, एक्सहेल राइट साइड में, कीप कंटिन्यू, इनहेल वापस कम बैक, एक्सहेल लेफ्ट साइड, हेड डाउन, इनहेल कम बैक, एक्सहेल राइट साइड, इनहेल कम बैक, एक्सहेल लेफ्ट साइड, लास्ट टाइम, इनहेल एक्सहेल राइट साइड, होल्ड करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे लेफ्ट साइड, हेड डाउन, वन टू थ्री फोर
एंड सिक्स। ओके, अब क्या करना है, लेग्स को ओपन करना है, फिट को मिलाना है, ठीक है। अब इंटरलॉक करेंगे, ठीक है, फिर डाउन करेंगे, इनहेल करेंगे, ठीक है, एक्सहेल, ऊपर देखना है, इनहेल वापस आना है, एक्सहेल धीरे धीरे से कमर को पीछे की तरफ ले जाइए, पेट पे लोड आना चाहिए, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल थ्री टाइम्स मोर, कमर को पीछे ले जाए, एक्सहेल, इनहेल टू टाइम्स मोर, एक्सहेल, इनहेल, जिसको बैक पेन है वो स्किप कर सकता है, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, एक्सहेल। ओके, एल्बोस को डाउन करेंगे, अब नीज ओपन करेंगे, हेड डाउन, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। ओके, अब पीठ के बल आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, एक बार देख लीजिए, ठीक है, फिर करना, हैंड्स को हिप के जस्ट बगल में और थोड़ा सा नीचे रखेंगे, ठीक है, जिसको बैक पेन है वो धीरे धीरे करिएगा सावधानी पूर्वक, ठीक है, देख लीजिए एक बार, इनहेल करेंगे इधर, एक्सहेल करेंगे हाथों को ऊपर लेके, ठीक है, इनहेल वापस, लेग्स डाउन, एक्सहेल, अब सिक्स टाइम्स करेंगे, इनहेल, एक्सहेल, पैरों को सीधा रखने की कोशिश कीजिए, इनहेल, पैरों को बेंड नहीं करना है, एक्सहेल, अप, इनहेल, एक्सहेल, थ्री टाइम्स और, ठीक है, कीप कंटिन्यू, इनहेल, एक्सहेल, टू टाइम्स, इनहेल, एक्सहेल, लास्ट राउंड, इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, वन टू थ्री, होल्ड कीजिए, पैरों को 30 डिग्री पे लाना है, थ्री फाइव एंड सिक्स, एक्सहेल करेंगे, पैर को सीधा कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। ओके, लेग्स को बेंड करेंगे, रिलैक्स करेंगे, यहाँ पे पूरा एफर्ट लगाइएगा, तभी आपका पेट कम होगा और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व होगी, ठीक है। वन होल्ड कीजिए, टू थ्री एंड सिक्स। ओके, पैरों को रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेट कीजिए पैरों को, पैरों को सेट कीजिए। अब करेंगे हैंड्स को पैरेलल करेंगे, ठीक। अब देख लीजिए एक बार, पैरों को ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। वन, बड़ा सर्कल बनाएंगे थोड़ा, टू, बहुत अच्छे एक्सरसाइज है, पेट को कम कर लेंगे, थ्री, पैर सीधे रहना चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे करिए, फोर, आंखें बंद कीजिए, पेट पे फोकस कीजिए, पैर पे फोकस कीजिए, सीधे रखना है, थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। ओके, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, सिक्स, बहुत बढ़िया वाला प्रेशर आएगा पेट पे, पैरों को ऊपर रखना है 90 डिग्री पे, नीचे नहीं लेकर, नी सीधी, वन टू थ्री, पैर सीधे, फोर, हाथों से नहीं पकड़ना पैरों को, हाथ नीचे रहने, फाइव एंड सिक्स। ओके, रिलैक्स करेंगे पैरों को, पेट में फोकस कीजिए पूरा, फील कीजिए पेट कम हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, पॉजिटिव रहिए,
थकावट के साथ मोटिवेशन भी लीजिए कि हम पेट कम कर रहे हैं, ठीक है, हताश नहीं होना है, धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर जिसको पेट कम करना है वो रेगुलर कर सकता है इसको, ठीक है, जिनको जैसी नीड है उस हिसाब से आप एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आपको हैंड्स के लिए करना है हैंड्स से कर सकते हो, पेट के लिए करना पेट की कर सकते हो, ऐसा ही, ठीक है। फिर इसे पैरों को ऊपर लेके आएंगे, हाथों को पीछे की तरफ लेके आएंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, ठीक है, इंटरलॉक कर लेना है हैंड्स को। इनहेल करेंगे, हाथों को पीछे ले जाइए, एक्सहेल, इनहेल करेंगे, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, सिक्स टाइम करेंगे, इनहेल, ज्यादा नहीं है, सिक्स टाइम, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, पैर सीधे रखना है, ठीक है, फाइव टाइम्स, इनहेल, एक्सहेल, फोर टाइम्स, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, थ्री टाइम्स, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, टू टाइम्स, इनहेल, एक्सहेल, लास्ट राउंड करेंगे, होल्ड करेंगे, पैरों को सीधा रखिए, वन, घुटने मुड़े हुए नहीं होने चाहिए, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स, हैंड्स को करेंगे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स, ओके, नी को हग करेंगे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स, ओके, यहीं से हैंड्स को डाउन करेंगे। अब पैरों को ऐसे ओपन करते हुए अप डाउन करना है, वन, टू, कंटिन्यू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, अप डाउन कीजिए पूरा, सेवन, एट, नाइन, टेन, एट, नाइन, एट, कीप कंटिन्यू, सेवन, रुकना नहीं है, सिक्स, फाइव, पैर सीधे, थ्री, टू, वन, ओके, ओपन करेंगे, वन, होल्ड करेंगे यहाँ पे, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स, ओके, अदर साइड, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स, पैरों को ऊपर लेके आइए, नीचे नहीं लाना है, ठीक है, वन, होल्ड करेंगे, टू, पंजों को देखिए, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स, अप करेंगे नीज को, हेड अप करेंगे, एक्सहेल, वन, टू, जिनको गैस बनता है और जिनको नाभि फिसक जाती है उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, करनी चाहिए आपको, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स, और फिर रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा, फोकस कीजिए पेट के ऊपर, मसल्स को आके रिलैक्स कीजिए, महसूस कीजिए धीरे धीरे आपका फैट कम हो रहा है, पेट की चर्बी पिघल रही है आपकी, फिर से करेंगे दूसरी एक्सरसाइज, ठीक है, लेग्स को अप करेंगे, अब क्या करना है देख लीजिए एक बार, ठीक है, अब धीरे धीरे से राइट लेफ्ट ले जाना पैरों को, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे राइट साइड में, ओके, पैरों को राइट साइड में ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड को देखिए, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, लेग्स को स्ट्रेट रखते हुए लेफ्ट साइड में ले जाना, राइट हैंड को देखना है, ठीक है, इनहेल, ट्विस्टिंग होगी इसमें मस्त वाली, एक्सहेल, पेट पे खिंचाव आएगा, इनहेल, एक्सहेल, और ले जाइए पैरों को नीचे, पैरों को सीधा रखना है, ठीक है, बेंडिंग ना, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, थ्री टाइम्स फोर, इनहेल, एक्सहेल, लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, उसके बाद क्लास मिस करेंगे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, लास्ट टाइम, एक्सहेल,
होल्ड करेंगे हम, इनहेल एक्सहेल होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 नीचे ले लें फिर वो एंड 6 इनहेल वापस आप। घुटनों को बेंड नहीं करना है ठीक है, घुटने सीधे रहेंगे तभी इफेक्ट पड़ेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 इनहेल एक्सहेल। अब फीट को पकड़ेंगे, पंजों को पकड़िए, हेड अप करेंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 ओके यहीं से रोलिंग करेंगे, 1 स्पाइन को रिलैक्स करेंगे थोड़ा, 2 ओपन की नीज को, 3 पैरों को सीधा लीजिए, 4 5 एंड 6 फिर राइट लेफ्ट करेंगे, 6 5 4 3 2 1 ओके थोड़ा सा लेफ्ट करेंगे शवासन में, पैरों को ओपन कीजिए, हैंड्स को ओपन कीजिए हथेली आसमान की तरह, पेट को ओपन कीजिए, पूरा शरीर को ढीला कीजिए, धीरे धीरे सांस लेंगे, इनहेल करेंगे, पेट की मसल्स को फोकस करेंगे, एक्सहेल करेंगे, इनहेल एक्सहेल। सांसों पे ध्यान दीजिए, एक्सहेल छोड़ना नहीं है, जितनी कैपेसिटी होल्ड कीजिए, धीरे से राइट साइड में टर्न करेंगे, राइट हैंड को बेंड करेंगे लाइक पिलो, लेफ्ट लेग को बेंड कीजिए, राइट साइड में टर्न कीजिए बॉडी को, धीरे से सिटिंग पोजीशन में आएंगे, आंखें बंद रहेगी ठीक है, जिन मुद्रा में लिखा है ये हाथों को कमर गर्दन सीधी ओके, नमस्ते मुद्रा में आएंगे, 1 टाइम ओम चैंटिंग करेंगे लाउडर एंड लॉन्गर, इनहेल आंखों पे लगाएंगे, धीरे धीरे से मसाज करेंगे आंखों की, फिर से मसाज करेंगे, चेहरे पे लगाएंगे धीरे धीरे से, नेक की मसाज करेंगे, हैंड्स की करेंगे, ओपन करेंगे पाम्स को विद ब्यूटीफुल स्माइल। तो प्रियजनों आज की क्लास को ये समाप्त करते हैं, उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज कर करके भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मेरे साथ कंटिन्यू करना है, हो सकता है कि किसी का वेट ज़्यादा है तो एफर्ट नहीं कर पा रहा है, बट धीरे धीरे सावधानी पूर्वक करना है, और जिसको बैक पेन है
वो सावधानी से कीजिएगा पूरा, ठीक है, क्योंकि इसमें बैक पे ज़्यादा लोड आता है। हो सकता है कि आप में से किसी को थोड़ा बहुत फील भी हो रहा होगा कि बैक पे लोड आ रहा था, है ना, तो लेग्स को अप डाउन कर देना तो होता ही है, क्योंकि पेट की एक्सरसाइज इतनी डिफिकल्ट है, इसीलिए तो लोगों के पेट बढ़ जाते हैं क्योंकि वो कर नहीं पाते उसको, ठीक है। तो होप कि आपने वीडियो पसंद करी होगी, और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल या फैमिली में कोई है ऐसा जिसको पेट कम करने की नीड है, उसको ज़रूर ये वीडियो सेंड कीजिएगा। हो सके तो मेरे सारे वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम, नमस्ते।